हरियाणा में टूटेगा एनडीए, जेजेपी से गठबंधन तोड़ेगी बीजेपी, अमित शाह के ऐलान से टेंशन में आए दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ सकती है बीजेपी, अभी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है बीजेपी। लगभग एक साल बाद देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, इस बार को लेकर अभी से दावे शुरू हो गए हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल का सर्वे आया था जिसमें लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को अभी भी भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी से करिश्मे की उम्मीद है, जिनकी छवि भारत जोड़ो यात्रा से गंभीर नेता की बनी है। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देश में 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो देश की जनता का भी मूड बता देंगे। बीजेपी लगातार पूरे देश में खुद को मजबूत बना रही है, इसके लिए वो सहयोगी बदल भी रही है और कई जगह सहयोगियों को हटाकर अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की इसी रणनीति के चलते उनके सहयोगी भी परेशानी में दिख रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा या फिर दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव भी 2024 में ही होने हैं, ऐसे में अगर दोनों दल लोकसभा चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे तो साफ है चुनाव विधानसभा चुनाव भी अलग अलग लड़ेंगे। जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के संकेत अमित शाह के ऐलान से मिल रहे हैं। दरअसल अमित शाह की हरियाणा गोहना में रैली करने वाले थे। गोहना सोनपत का हिस्सा है जहां कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है, लेकिन खराब मौसम के चलते अमित शाह रैली में शामिल हो नहीं पाए। उन्होंने फोन से ही रैली को संबोधित किया। शाह ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा, 2019 की तरह ही बीजेपी को सफलता मिलेगा। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। शाह की बातों को माने तो उन्होंने सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। ऐसे में जेजेपी के लिए राज्य में हालात मुश्किल होते दिख रहे हैं। शाह ने इस ऐलान को लेकर बीजेपी और जेजेपी दोनों ही दलों के नेताओं ने चुप्पी साध ली, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। बयान अमित शाह ने दिया है, इसलिए इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल जेजेपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन का प्लान कर रही थी। बीजेपी हाईकमान तक जेजेपी ने अपनी बात भी पहुंचा दी थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिसंबर में ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बीजेपी गठबंधन के साथ 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत थी और जेजेपी ने इस चुनाव में 10 सीटें जीत ली थी। चुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो गया था, जिसके बाद मनोहर लाल ठक्कर एक बार फिर से राज्य के सीएम बन गए, लेकिन अब ये गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले ही बिखरता दिख रहा है। दरअसल अमित शाह के बयान को बीजेपी नेताओं के लिए बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी नेता सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बीजेपी अकेले दम पर लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। शाह के इस ऐलान से जेजेपी के नेता भी सवाल कर रहे हैं कि क्या पार्टी अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या अभी से इसे लेकर तैयारी शुरू करनी है। फिलहाल इसे लेकर दुष्यंत चौटाला ने कोई बयान नहीं दिया है और न ही राज्य के सीएम मनोहर लाल ठक्कर ही अपना मुंह खोल रहे हैं, लेकिन ये साफ है जल्द ही इस मामले में दोनों ही दलों के बीच चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।